ये पानी इतना हो गया सारा, और ये देखें टपक रहा है पानी कितना तेज हो रहा है, और ये देखें। और अभी अभी सेन में पानी आ गया क्योंकि ये बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये देखें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बादल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर हम लोग आए हुए थे बाजी शाजगिया लोगों के घर पर, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश होने वाली है तो खूब इंजॉय होने वाला है, तो बड़ा बस हो जाए बारिश, गर्मी बड़ी है ना। हाँ। और जाए घर पर, मोटर वगैरह रखी हुई है आपको पता है? हाँ, घर पर तो जाना ही पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाए, और शहजाद को यहाँ देखो क्या है, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर क्या चले फिर? हाँ, चलो तो यार बच्चे बाहर ही लगा के बादल जी आ रहे हैं, ये देखें इतने बादल बने हुए हैं, और यहाँ पर देखें बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, और हम लोग आए थे तो मैं सुमेरा को देख रहा था, और यहाँ पर शहजाद भी अपना व्लॉग बना रहा है, और हम लोग घर से होकर हम लोग थोड़ी देर में चक्कर यहाँ पर आए, क्योंकि बच्चे भी पीछे किए हुए हैं ना, और ये देखो दुपट्टा उठ कर आ रहा है, तो चले भी बस साथ साथ रहिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और देखते हैं बादल का हाल क्या है। बताओ थोड़ा सा बताओ, और मौसम इतना अच्छा हो गया पता है आपको, और शहजाद को देखो, और ये देखे मौसम, गर्मी बहुत ज़्यादा, चले क्या हुआ क्या मतलब बेसन वगैरह? पकोड़े बनाए, पकोड़े बनाए। मिशेल आजो हमारे घर पर थोड़ी देर के लिए। कैसे हैं आप सब? तो आज चलते हैं माधव घर पे, मौसम एंजॉय करते हैं। हाँ ऐसी बात ही है, आने वाकई आई नहीं आना मैंने पता, हम जाते हैं आऊंगी, मैं और सुमन आते हैं, क्योंकि अभी बना रहे हैं खाना, आप सबको पता है, तो खाना बनाते तो फिर मासू का घर पे चलते हैं, आने लगे पकोड़े और जाके थोड़े थोड़े खाएंगे। आ जाओ, मोस्ट वेलकम भाई। हाँ ठीक है। और यहाँ पर पता नहीं कामरन कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, बादल बहुत डार्क डार्क हो रहे हैं, ये देखें कितने डार्क हो रहे हैं, अभी बारिश का वेट करते हैं कि बारिश आती है कि नहीं। हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ, घर तो हमारी मोटर पड़ी है, मोटर पानी आ गया, और यहाँ पर कामरन ने ताला भी खोल दिया, ये उतार दिया, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, बारिश हो रही है, तेज़ हो रही है अभी। हाँ फेंको इधर, अंदर दो मुझे, शायद भाई शाबाश हरिया परी, अब जल्दी वो ऊपर से दरवाजे के ऊपर से मेरी पैंटे भी उतारो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ खींचो खींचो खींचो, वो भी खींचो, जल्दी करो, मोटर इधर ही रहने दो, उसके ऊपर रखा हुआ है ना, कोई मसला नहीं होता मोटर को, यहाँ से निकालो, ये देखो कारपेट के अंदर आ रहा है पानी, और यहाँ पर देखें यहाँ भी एक छोटी सी वो बनेरी बनानी पड़ेगी, बना लेंगे आजकल भी क्योंकि ज़रूरी है, ये कमरे में पानी नहीं आएगा इससे। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा पानी, तो वो तो पानी बारिश में, अभी नहाओ बारिश में खुश हो के, तो वो नहीं ठीक है, अंदर बार बार अंदर 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 अंदर, कितनी जगह कहाँ रखोगी मोटर को, इतना बड़ा है हमारा घर, वो सही है, उसके ऊपर ढका हुआ, कोई मसला नहीं है इतना, उसमें पानी इतना हो गया सारा, और ये देखें टपक रहा है पानी कितना तेज हो रहा है, और ये देखें। और अभी अभी सेन में पानी आ गया क्योंकि ये बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, ये देखें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बाहर का नज़ारा देखते हैं, बाहर का नज़ारा कैसा है, और बाहर भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, वो देखें सामने में कामरन को देख रही थी, लेकिन वो देखें नज़र नहीं आ रहा, यहीं कहीं यहीं के नहीं, वो अब्बू लोग भी सामने बैठे हुए हैं, नज़र ही नहीं आ रहे, तो बिल्कुल नहीं, और बारिश बहुत ज़्यादा ही तेज़ है, और हमारी गली में सामने भी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मैं कामरन को देख रही हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हो गई है हल्की। हाँ, और बड़ा अच्छा लगा है कि आज बारिश हुई है, और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, और इतना मज़ा इंजॉय किया, और मैं बोल रहा था यार, हमने जो है ना, मेरी शादी को 12 साल हो गए, और हमने आज ये बारिश इंजॉय की है।
बस किया करो इतनी दफा तो की है तो मैंने सोचा मैं मारिया को बोल रहा हूँ कि पकौड़े बना लेते हैं, थोड़े से मैं कह रही हूँ टिक्कियाँ बना देते हैं, साथ में पकौड़े बनाओ और मैं थोड़ा सा बाहर साथ में चाय मेरे लिए, बाहर गली में थोड़ा सा पानी जमा हो गया तो मैं जो है ना उनकी हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा उनके भी थोड़ा वो हो जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हमारे उनके घरों में पानी भर गया, ऐसी बात ही है। और मैं जा रहा था बाहर, मैंने ठंड लगने लग गई अभी, मैं अभी बेसन भी मंगवा लेता हूँ और जो है ना मैं उनका थोड़ा वो हेल्प कर देता हूँ, तो आप जो है ना पकौड़े वकौड़े की जो सेटिंग करनी है। हाँ मैं कह रही थी आलू ले आओ, आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं बेसन के साथ लगा कर, तो चले व्यूअर साथ साथ रहिएगा, मैं बनाती हूँ तो अभी थोड़ा किचन समेटूंगी उसके बाद, और बारिश भी बहुत इंजॉय किया, हमारा सीन भी साफ हो गया, आ चुके और बच्चे भी नहा रहे थे और अभी अभी बारिश हो चुकी है बंद, और दुआ लोग भी अभी अभी ट्यूशन से आए हैं ना दुआ जी, बारिश बहुत ज्यादा, क्या कर रहे हो इधर दिखाओ ना, इधर आओ बेटा, क्या हुआ ये वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हो, जरूरत क्या है, ये कहाँ से सीखा तुम लोगों ने, मैं तुम लोगों को बताती हूँ, और ये देखो गुगू नहा नहा कर क्या हाल किया अपना गुगू ने, और यहाँ पे जैनिका भी आई हुई है ना जैनिका, तो चलो व्यूअर्स दानियल तो बाहर है तो मिलते हैं, थोड़ी थोड़ा की है नीट और बारिश की वजह से थोड़ा हो रहा है ये देखें, और अभी किचन बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है, और यहाँ पर मैंने ये जो बना कर रखा है, और ये कामरा ने मंगवाया था दूध, और साथ में हम बनाएंगे चाय, और यहाँ पर बनते हैं पकौड़े अभी, तो ये मैंने फटाफट रेडी कर कर रखा है, क्योंकि मैंने कहा जल्दी जल्दी जैसे बारिश हो रही है ना ये देखें, तो वैसे मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी है बना लें, यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए भी रख दी है, क्योंकि चाय मैंने कहा बन जाए, और यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म हो रहा था, मैंने कहा ऑयल गर्म हो जाए, लेकिन ऑयल भी अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि थोड़ी ठंड ठंड लग रही है अभी, और चलें और ऑयल गर्म होता है, फिर ये मैं डालकर चेक कर रही थी कि मतलब ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, लेकिन इतना नहीं ऑयल गर्म हुआ है ये देखिए, अभी टाइम लग रहा है, यहाँ पर मेरे जो पकौड़े ही बोलते हैं गोल वाले आलू वाले, और यहाँ पर हो रहे हैं अभी हो चुके तेल काफ़ी गर्म, तो यहाँ पर चाय उबल के नीचे गिर रही है, ये देखो मैंने चूल्हा हल्का कर दिया और थोड़ी अच्छी पक जाए, और व्यूअर जिस जिसको खाना है आ जाए, क्योंकि मुझे तो ऐसे मौसम में अच्छा लगता है कि ऐसी चीज़ें खानी, और पकोड़े तो मुझे वैसे ही बड़े पसंद है, ख़ास तौर ये वाले पकोड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कामरन का मैं कर रही थी वेट, कहाँ पर गया कहाँ पर गया, हमारे पकौड़े और मारी और भी बना रही है, पकौड़े नहीं बल्कि आलू वाले वो बन रहे हैं, आलू के साथ में पकौड़े भी बना रही है देखो, अच्छा तो अब जो है ना ये जैसे ही बनेंगे तो यहाँ चाय भी तैयार हो चुकी है, गरम है दिखा नहीं रहा अभी, तैयार हो गई है तो चाय भी तैयार हो चुकी है, तो ये जैसे ही ये बन जाते हैं तो फिर अंदर बैठ के खाएंगे, तो फिर हम आप लोगों से पूरा चेक कर लूँ, तो मैं चेक कर रहा था कैसा पका, बहुत अच्छा पका है, और इस बात पर जो है ना मारिया को आज क्रेडिट देने का दिल कर रहा है मारिया, हाँ मैंने कहा पकौड़े बना लूँ जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना वैसे, मतलब ऐसे मौसम में, और मेरा तो वैसे भी दिल चला रहा था, मौसम भी ऐसा हो गया, और हमारी कराची में जो है ना बहुत बहुत देर बाद हुई है ना बारिश, वैसे भी हम लोग तो तरसते रहते हैं, बादल आते हैं रोज, महीना एक हुआ बादल आए हैं, तो अभी बारिश हुई है, होती भी है तो कहीं कहीं कराची में कहीं कहीं होती है, हमारे इलाके में तो बहुत कम ही होती है, हमारे इलाके में तो बहुत देर बाद हुई, और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा गर्मी थी, और बहुत अच्छा अभी सुकून हो गया, और मौसम देखें बड़ा प्यारा हो गया, तो कहती हूं नॉर्मल मौसम रहे ऐसा ठंडा है ना, बच्चे बच्चे जो है ना हमारे बाहर नहाने में मसरूफ थे, और अभी बारिश रुक गई, अभी वो लोग बाहर, मुझे लग रहा है फिर होगी, अभी ये रात में भी होगी, हाँ लग रहा होगी, तो आप लोग हमें इस तरह सपोर्ट करते रहे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और हमारी टिकटॉक आईडी है कामरान घोरी, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना मैसेज कमेंट आ रहे हैं कि आपकी टिकटॉक आईडी कौन सी है, तो हमारी टिकटॉक आईडी है कामरान घोरी के नाम से, GOGORI, वैसे गोरी बनता है GHORI, लेकिन मैंने लिखा हुआ है GORI, क्योंकि जल्दी मिल जाती है, वैसे भी आप लोग टिकटॉक पे सर्च करेंगे तो आ जाएगी, ऊपर ही सबसे पहले आ जाएगी, उसमें मेरी और मारिया की तस्वीर होगी, तो आप लोगों ने उस पर भी जाके हमें फॉलो करना है, और यहाँ पकौड़े बन रहे हैं, तो जैसे पकौड़े बन जाते हैं तो फिर हम अंदर जाकर फिर हम आपसे और भी बातचीत करते हैं, यहाँ पर मैं लेकर जा रही हूँ कमरे में, चलो मैं बच्चों को बुलाऊँ, हाँ बुला लो बच्चों को, यहाँ पे कामरन कह रहा है बच्चों को बुला लूँ, और यहाँ पर हमारा कमरा देखे कितना अच्छा लग रहा है, नीट नीट, और हम लोग नीचे ही बैठते हैं ज़्यादातर, नीचे ही खाना वाना भी नीचे ही खाते हैं अक्सर, कम पलंग के ऊपर कम ही खाते हैं, और यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय, और मैं ये तो मैंने पहले पी ली, और अभी ये भी पीऊँगी, ये कामरन की चाय है, और हम बच्चों को बहुत ही कम चाय का बोलते हैं, और दुआ भी आ चुकी है और जरिश भी आ चुकी है, और दानियल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दानियल ने शर्ट नहीं पहनी, मैं नहीं दिखाती बच्चे ऐसे,
और यहाँ पर हम खाने लगे थे अभी पकौड़े। हाँ, ऐसी बात ही है, खाने लगे थे पकौड़े और पकौड़े बड़े मजेदार बने। तो मैंने तो वैसे ही मैंने तो बड़े खाए वहाँ पे खड़े ही खड़े, पता है आपको इसलिए कम मैं साथ साथ खा रही थी, साथ साथ बना रही थी और साथ साथ चेक कर रही थी कि कैसे बने हैं। अच्छा वो फिर आपने जब तक आपने सोचा होगा एक खा के देखा होगा टेस्ट समझ नहीं आ रहा, फिर दूसरा खाया होगा आपने, नहीं अभी भी नहीं मुझे पसंद है ना इसलिए। ब्रांड पे ही आपने मुझे बोला होगा कि बड़े अच्छे बने। हाँ तो अगर व्यूअर्स तो आपको अच्छे बने तो अगर आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और तो मिलते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो था यही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, क्योंकि हम खाने लगे अभी पकौड़े। बाय।